पहली बार कार्तिक मुझे घुमाने लेकर आया, इतना दूर रोड ट्रिप, वो भी कहाँ खेतों में, गोबरों में। पहुंच चुके हैं भटिंडा का एयरपोर्ट जो कि है वो। तो गाइज हमारी मेहमान आ गई है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। तो गाइज आज की ब्लॉगिंग मेरे नए घर से शुरुआत हो रही है। तो आज मैं जा रही हूँ रोड ट्रिप, तो मैं जा रही हूँ बहुत दूर ट्रिप में। तो कहाँ जा रही हूँ ये आपको तो जब आप बने रहेंगे तभी आपको पता चल जाएगा। एंड आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। क्यों है मैं अभी आपको बताऊंगी, क्योंकि उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाय मम्मी। बाय। बाय पापा। बाय। तो गाइज मैं निकल चुकी हूँ अपने घर से। ये ओप्स माय गॉगल्स। मम्मी मेरे चश्मा था, कहाँ रखे थे? मैं भूल गई, एक मिनट। अभी हम निकल चुके हैं एंड अभी जस्ट पेट्रोल पंप पहुंचे हैं क्योंकि पेट्रोल इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो अभी कार्तिक पेट्रोल भरवा रहा है। भरा दिया? हाय बोल दो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा डायलॉग बहुत मारा करो। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वो एक ऐसी जगह जा रहे हैं, नेक्स्ट फ्लोर प्लेस है। तो गाइस बहुत दूर जा रहे हैं, मतलब पहले छींक दिया इसने, सॉरी। कम से कम लग जाएंगे 8-9 घंटा तो आराम से, इसलिए धीरे 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 होते हुए जा रहे हैं। रास्ते में क्या क्या करते हैं वो सब बताएंगे आपको। रास्ते में मैं इसको बहुत मारूंगा, बहुत परेशान करूंगा। और हल्का सा ये सोई तो ये मार खाएगी। एंड ये हमारा फर्स्ट रोड ट्रिप होगा। अभी कार्तिक फास्ट ट्रैक रिचार्ज कर रहे हैं। फास्ट टैग रिचार्ज कर रहे हैं। फिर लोग बोलेंगे ये गवार। बोल लो यार, कुछ नहीं आता, बोलो बोलो जो बोलो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा मुझे। सुबह सुबह हम निकल चुके हैं। 5 बजे कार्तिक निकला था अपने घर से और मैं निकली हूँ 6 बजे, है ना? तो आई एम वेरी एक्साइटेड। टू 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 टू। हम कभी सीट बेल्ट नहीं लगाते ना, आज दूर जा रहे हैं ना इसने भी लगा लिया आज तो। और देखो कितना सुहाना मौसम हो रहा है। ये सनराइज। हम पहुंच चुके हैं पोंडा साहिब। वो देखो पोंडा साहिब का मंदिर और ये है यहाँ की नदी। तो आज की सुबह की स्टार्ट हम कर रहे हैं लेस से। हाँ ये थोड़ी स्पाइसी है ना, क्योंकि ट्रैवलिंग में ऐसे स्पाइसी खाने में मजा आता है। कुछ फ्रूट्स ले रहे हैं, थैंक यू, क्योंकि कुछ खा के आए नहीं है तो फिर गैस बन जाएगी। एंड गाइस ये देखो क्या बात है, तुमने मेरे प्यार को इतना संभाल के रखा है, सुखा दिया प्यार को धूप में रख रख के। मुझे मेरे प्यार इसे बंदर के लिए केला, ट्रोल करो इसे, ट्रोल करो। सॉरी मुझे गाइस तभी बोलते हैं कि मुझे भी गाड़ी सिखा दो, वरना आज तुम्हें हेल्प नहीं हो जाता। आधा मैं चलाती आधा तुम चलाते। तुम इतनी जल्दी नहीं सीख सकते गाड़ी भाई। क्यों, तुमने हार मान ली? मुझे भी नहीं लगता मैं जिंदगी में गाड़ी सीख सकती हूँ। मैं एक तो मैं डरपोक हूँ ना, ऊपर से मेरी हाइट इतनी छोटी कि मुझे सामने को कुछ दिखता ही नहीं। मान ली इतनी बड़ी बड़ी 2 RD शर्मा रखनी पड़ेगी, उसके ऊपर तुम बैठोगे तब जाके तुम गाड़ी देख पाओगे आगे। नहीं गाइज मुझे तो वो वाली गाड़ी लेनी है जो छोटी सी 1 सीटर वाली, पीछे एक वैनिटी रखूंगे, आगे ऐसे चलाऊंगी। यहाँ पे छोटी सी गाड़ी लूंगी जिसमें आगे मैं चलाऊंगी, पीछे तुम बैठना। बैक सीट में थोड़ी बैठोगे, फ्रंट सीट में बैठोगे, साइड टू साइड। वहाँ से मैं सीखना स्टार्ट करूंगी, फिर उसके बाद मैं ये चलाऊंगी तो मेरे साइड में बैठोगे ना। अच्छा लोग बोल रहे होंगे कि ये सर में क्या है, तो गाइज ये जो छोटे छोटे मेरे जुल्फे है ना वो ऐसे भर करके उड़ते रहते हैं हवा से, तो इसीलिए मैंने इसको कवर अप दिया है। कैसी लग रही? वो नाम मैंने तुम्हें दिया है। तुम बंदरिया। हाँ ठीक है, मैं बंदरिया तुम बंदर। मैंने कार्तिक के लिए एंटरटेनमेंट कर रही हूँ गाना गा के। माय माइक
चश्मा भी बदलने के लिए एक असिस्टेंट हायर किया है इन्होंने। ये हम अम्बाला साइड पहुंचे एंड यहाँ पे ना कोहरा कोहरा हो रखा है। देखो ये देखो कितना ही कोहरा लगा है और इतनी ठंडी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। बाहर आप देख सकते हो कितना कोहरा लगा है, इसके हिसाब से तो कितनी ही ठंडी हो रही होगी यहाँ पे। पता नहीं करते कहाँ लेकर आए ये। देखो ऊपर ट्रेन जा रही है, दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इतना कोहरा हो रहा है ना। नीचे देखो सर्दियाँ इतनी है कि कितना कोहरा ही हो रहा है, और पता नहीं कौन से गुफा में लेकर आ गया ये। अंधेरा भी हो गया, मैं काली दिख रही होंगी, दिख रहे हैं हम गाइस, बता दी। ये देखो कहाँ ये लेकर आ गया ये बंदा। पहली बार कार्तिक मुझे घुमाने लेकर आया इतना दूर रोड ट्रिप, वो भी कहाँ, खेतों में, गोबरों में, जंगलों में, पता नहीं कहाँ लेकर आया, गुफा में, पता नहीं कहाँ ही जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जहाँ रास्ता ले जा सकता है वहीं तक जाएंगे, वही जा रहे हैं बस। हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही है एंड हमारे सामने क्या है ये देखो, देखो देखो देखो, देखो, देखो। यहाँ पे स्टारबक्स भी है, मैकडी भी है एंड केएफसी भी है, तो हम जाएंगे केएफसी। ये पता नहीं इतने सुबह सुबह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट बहुत भूख लग रही है तो हम जाएंगे, चिंकी चिंकी खाएंगे। ये भूखू पूरा तो खा लिए बंदे यार, अबे साफ कर रहे हैं अभी तो। अरे यार तेरी किस्मत खराब। तो गाइज अभी 9:30 ही बज रहे हैं, मतलब 9:30 समथिंग हो रहा है, तो फिर अभी तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा हमें। तो अपने एक्साइटमेंट को अंदर रखो, दबाओ और चुपचाप से चलो। वे देखो कितनी ऊंची ऊंची इमारतें, अब देहरादून में बनेंगे इतने बड़े बड़े इमारतें। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं केएफसी एंड इतनी गर्मी है ना यहाँ पे, कम से कम 40 डिग्री पहुंच गया है। और यहाँ देखो इसकी गाड़ी की हालत क्या होगी, धूल मिट्टी गंदगी इतनी हो रही है। एंड कार्तिक उनियाल का आउटफिट ऑफ द डे, मेरा भी एंड दिस इज माय आउटफिट ऑफ द डे। मेरे केएफसी में आपका स्वागत है। तब तो मैं फ्री का कस्टमर रहूंगा, मेरा तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे मेरे पापा जी का होगा। तो गाइस गाइस हमारा फिर से मोए मोए हो गया है क्योंकि बंद है, अब क्या करें गाइस, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा, इतनी दूर आए थे और इतना एक्साइटमेंट कितना था मेरे अंदर, बट बंद है। कोई नहीं, यही देख के पेट भर लेते हैं, बैड लक। वो अंकल क्या है, वो बोल नहीं पा रहे थे क्या, गार्ड अंकल ऐसे ही बैठ रखे हैं, बोल देते बंद है, दिमाग खराब। तुम्हारे गाड़ी में टैटू बना है गाइस। थोड़ी देर बाहर निकल के तो ऐसा लगा भट्टी से जैसे आग का हवा नहीं आता वैसा, भयंकर गर्मी है यार, थप्पड़ी थप्पड़ पड़ रहे धूप के, वही तो भयंकर। गाइस फाइनली ओहो केएफसी के जस्ट आगे लगा दिया कार्तिक जी ने, ये प्राउड ऑफ यू माय बॉय, प्राउड ऑफ यू, लेट्स गो। अब तो भाई कुछ भी मिल जाए खाने के, चलो चलो मैं ना जाऊं, चलो गाइस अभी हम ऑर्डर दे रहे हैं लेग पीस। फाइनली हमारा ऑर्डर भी प्लेस हो गया है, अब वेट करते हैं, फिर खाएंगे फिर जाएंगे। अच्छा आपको कैसा लग रहा है आपका ये पहला रोड ट्रिप विद मी? फिलहाल तो बहुत भूख लगी है। तुम कब चिकन खाना स्टार्ट करोगे? बहुत टाइम है अभी, चिकन छोड़ दिया मैंने गाइस, आई एम द सन्यासी ऑफ चिकन, और अब मैं सिर्फ प्योर वेज खाता हूँ। अभी कुछ टाइम बाद मैं वेगन बन जाऊंगा, बॉडी बनाऊंगा सिर्फ वेगन खाऊंगा। ये तो गाइस मैं हमेशा चिकन खाती हूँ, बेचारा हमेशा वेज खाता है, कोई नहीं वेज भी तो बहुत ही अच्छी है, मैं भी ट्राई करूँगी। पर केएफसी का मजा तो चिकन में ही है। तो क्या हो रही, केएफसी का वेज भी मजा है, फ्रेंच फ्राइज भी अच्छे हैं उनके, वेज रोल भी अच्छा है। फाइनली हमारा ऑर्डर भी आ गया है और अभी हम गाड़ी में ही खाएंगे क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर रुकेंगे तो। तो गाइस अब मैं खा रही हूँ, खाने के बाद मैं आपको आराम से मिलूंगी, ठीक है बाय। तो गाइस अभी सुबह के 5 बजे से निकले हुए हैं, अभी दिन के 1 बजे है और अभी भी हम चले जा रहे हैं। यहाँ तक तो मौसम बढ़िया था, मतलब यहाँ तक नहीं बीच में मौसम बढ़िया था, अभी देखो यहाँ छाया उधर धूप, तो अब फिर से धूप आ गई। तुम्हें कैसा लग रहा है? बढ़िया। क्या ही बढ़िया लग रहा होगा, गाड़ी चला के शक्ल देखो रोने जैसी होगी उसकी। ऐसा नहीं हो सकता, गाड़ी चलाते हुए मैं कभी रोता नहीं, मुझे अच्छा लगता है गाड़ी चलाने में। पर यार इतना गर्मी में इतना, अरे बहुत गर्म है भाई यहाँ, घंटा 40 डिग्री क्रॉस, इतनी गर्मी है।
पेड़ भी देखो सूख रहे हैं। गाइस एक चीज दिखाओ, ये देखो कितना सुंदर है, पर क्या है मुझे नहीं पता, क्या है ये? भट्टी। भट्टी, इतने बड़े बड़े भट्टी होते हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ये, मेरे पीछे देखो। फाइनली हम पहुंच चुके हैं भटिंडा का एयरपोर्ट जो कि है वो। तो अभी हम यहाँ किसी को रिसीव करने आए हैं, वो कौन है, कहाँ से आए हैं, वो आपको थोड़ी देर में खुद ही पता चल जाएगा। फॉर देट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। गाइस अभी तक जिसे रिसीव करने आए थे वो अभी तक आए नहीं है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम पिक्चर देख रहे हैं। अब कौन सी मूवी देख रहे हैं? हम देख रहे हैं माइग्रेशन। हो सकता है पर सिर्फ हम ही इस दिशा में क्यों जा रहे हैं? मतलब भटिंडा आके हम माइग्रेशन मूवी देख रहे हैं। गर्मी है, कहीं जा भी नहीं सकते बाहर। तो गाइज जिसे हम लेने आए थे वो लैंड हो चुके हैं। ओ ये रही उनकी फ्लाइट। तो गाइज हमारी मेहमान आ गई है। और कितना गर्मी हो रहा भाई, क्या हुआ भाई? ऐसा लग रहा है कि आग के बाहर घूम रहे हो, आग की हवा सेक रहे, थप्पड़ पड़ रहे धूप के। धूप के नहीं पागल, गर्म हवा के, लू चल रही। फाइनली गाइज लुक हु इज हियर, ये तो हमारी मेहमान आ गई। ए हवा कैसा लग रहा है? इतना उबलता हुआ गर्म हवा आ रही है। ये क्या हवा है? गाड़ी स्टैंड मार की गाड़ी देख रहा, टैटू लग गया टैटू। तो हमने मेगा को रिसीव कर लिया। और पता है आपको यहाँ कितनी डिग्री चल रही है? मेगा खुद बताएगी। बता मेगा। अभी चल रहा है 43। भयंकर। और पता है बाहर आपको मौसम लग रहा होगा, हवा आ रहा होगा, बहुत ठंडी ठंडी, बिल्कुल नहीं, इतनी गर्मी हवा चल रही भाई, अलग नेक्स्ट लेवल। देखो सूखा अकाल पड़ रहा है। आयो आयो चीयर्स। हम लोग सोच ही रहे थे कि बारिश हो जाए, क्यों ना, तो भगवान ने हमारी सुन ली। अरे मैं आया हूँ तो बारिश नहीं होगी? नहीं नहीं, मेगा जैसे एंट्री मारा ना, मेगा इसी पानी पाया इन्होंने अपने शीशे में। जैसे ही मेगा आई वैसे ही देखो इतनी मस्त बारिश हो गई। मतलब इस बार हम अगर भगवान से कुछ और मांगते वो भी मिल जाता शायद। भगवान 50 करोड़। अब नहीं मिलेगा, एक ही बार सरस्वती बैठती है ज्यादा। तो गाइस जैसे ही थोड़ी देर के लिए खुश कर दिया था भगवान ने, बट अब फिर से धूप और सूखी अकाले पड़ चुकी है। हमें लगा था बहुत लंबी बारिश होगी, बट बस 5 मिनट भी नहीं हुआ ढंग से, बस 1-2 मिनट की। अब पता चला कार्तिक भैया को कैसा फील होता है। एकदम से जज्बात अरमान सब बदल दिए है। चलो चलो बाय बाय, हम जा रहे हैं। तो गाइज हम लोकेशन में पहुंच गए, पर हमें रिसीव करने कोई आ नहीं रहा, बहुत बेइज्जती हो गई है। अभी देखते कोई आता है कि नहीं आता, जिसका वेट कर रहे वो तो आ ही नहीं रहे। मुझे लगा था यहाँ गर्मी नहीं होगी, यहाँ पे तो वही भटिंडा वाला तापमान। तापमान बताती हूँ, रुको तापमान अभी चेक करके बताते हैं। मुझे लगता है यहाँ इतनी गर्मी है ना, 39 हो रहा है यहाँ तो कम है थोड़ा, फिर भी गर्मी बहुत है। मुझे लग रहा है गर्मी ज्यादा है, इसमें लेने नहीं आई, उतर नहीं रही नीचे। तो गाइस फाइनली हम कहाँ पहुंचे, पहले तो बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड देख के आपको पता ही चल गया होगा कि हम कहाँ आए। वेरी फेमस वर्षा थापा इन द हाउस, और बहुत आरामी है। चेतन लेने भी नहीं आई, हमें लगा लेने आई, नीचे भी लेने नहीं आई। और मैंने ये भी बोला था कि गर्मी है तभी नहीं निकल रही है। नहीं, 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 हाँ नीचे, हाँ सही बोला था इसने। तो गाइस बहुत दूर से हम सिर्फ यहाँ आए, वो कितना कितना 40 डिग्री गर्मी खाने के लिए आए। तो गाइस अभी हम लोग ना ऐसी बातें कर रहे थे ग्रुप में बैठ के, और ना बात करते करते 7 बज गया, देखो 7 बज गया। और वर्षा ने बोला कि यहाँ पे ना ऐसे दिन ही होता है अभी भी। मैंने सोचा चल ऐसी मजाक कर रही होगी, यहाँ देखो 7 बजे, ऐसा लग रहा 5 ही बज रहे अभी तक। और अपने देहरादून में अंधेरा भी हो गया होगा, स्टार्ट हो गया होगा अंधेरा वाला। हम फॉरेन में रहते हैं, फॉरेन कंट्री फॉरेन आए, मुझसे मिल ले।
तो गाइज अभी हम लोग थोड़ा मस्ती वस्ती करेंगे क्योंकि इतने काफी टाइम बाद मिले हैं, तो मस्ती ही करेंगे। बाकी ब्लॉगिंग तो अब कल से करेंगे। सो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो क्या करने का, डू लाइक शेयर कमेंट ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय चिकन, लव यू, बाय।